last topic. Yes. Sana so, no, last topic. Arabic respiration, no? Right? Electron transport system. ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन आपने जुए फिर आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करी ले विचारों परिवहन तंत्र राइट ओके बिफोर वी स्टार्ट ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना रेस्पिरेटरी चेन जो है श्वसन श्रृंखला है वो कैसे प्रेजेंट होती है उसकी बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नी जो आपने बात करी है कि विजाणु परिवहन तंत्र की बात करी है એટલે કે रेस्पिरेटरी चेन यानी कि श्वसन श्रृंखला की बात करें तो फोर कंपोनेंट्स है देयर आर फोर कंपोनेंट्स उसके चार घटक होते हैं ओके चार घटक कौन-कौन से चार घटक है फ्लेवोप्रोटीन एफपी यानी कि फ्लेवोप्रोटीन उसको हम क्या बोल सकते हैं एफएमएन फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड यस ये एक दूसरा आयरन एंड सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन फेरस एंड सल्फर आयरन एंड सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन आयरन एंड सल्फर युक्त प्रोटीन बी બીજો કમ્પોનન્ટ ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ માં શું આવેલું છે એની વાત કરીએ છીએ ઓકે બીજો પરિવહન તંત્ર કે ઘટક ની વાત કર રહ્યા છે કો એન્ઝાઇમ ક્યુ સહ ઉત્સેચક ક્યુ યુબિક્વિનોન આપણે એને કહી શકીએ યુબિક્વિનોન યસ આ ત્રીજો કમ્પોનન્ટ ફોર્થ साइटोक्रोम को CYP इन शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं साइटोक्रोम के भी टाइप्स हैं ये देखिए साइटोक्रोम बी होगा साइटोक्रोम सी वन है साइटोक्रोम सी साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम बी ए बी राइट आप बता कंपोनेंट छे पर कई जगह आवेला छे केवी रीते आवेला छे वेयर डज इट लोकेटेड बराबर ऑल दिस आर कहां पे अरेंज हुए हैं उसकी बात हमें करनी है देखो मैं यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ कर रही हूं फिर से अपने माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह ड्रॉ कर रही हूं देखिए यहां पे मैं ड्रॉ कर रही हूं चलो ये माइटोकॉन्ड्रिया आप देखिए और ये अंतःआवरण में ड्रॉ कर रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया का ये कौन सा आवरण है बाह्य आवरण है आउटर मेम्ब्रेन है बाह्य आवरण ये अंतःआवरण है यानी कि इनर मेम्ब्रेन ये स्पेस जो हो गई वो पोषरस आवरक है दिस प्लेस इज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स साइटोसोल यस साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स यानी कि कोशरस आधारक का कोशरस आधारक आ कोशरस आधारक નો વિસ્તાર છે દ્વિપટલ વચ્ચેનો અવકાશ આંતરપટલ અવકાશ ઇન્ટર મેમ્બ્રેન સ્પેસ યસ ઇન્ટર મેમ્બ્રેન और ये अंदर का पार्ट हो गया मैट्रिक्स मैट्रिक्स किसका मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आधार वही मैंने यहां पे ड्रॉ किया है
is this, यानी कि इसके बाहर वाला ये कौन सा पार्ट हो गया, ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स हो गया। This one is the in outer membrane, ये बाह्य आवरण है, तो ये बाह्य आवरण मैंने यहाँ पे लिखा है। This one is the बाह्य आवरण, बराबर this outer membrane, बाह्य आवरण से outer membrane आपने लिखा ही है। पची जो आसपास से है, E A H R Y, या intermembrane space, intermembrane space, दो आवरण के बीच। ये वाला कौन सा है? This one is the inner membrane. Yes, inner membrane. ये मैं यहाँ से दिखा देती हूँ. This one is this. Okay. ये अंदर का आवरण हो गया inner membrane. मैं बोलने वाली थी inner membrane से ना. Inner membrane. अब देखिए. अब बोला ना. ये सब component कहाँ पे present है? अंत आवरण में प्रेजेंट है, ये अंत आवरण है उसमें प्रेजेंट है। यस, यहाँ पे आप देखिए मैंने जो ये ड्रॉ किया है, आप सोच लीजिए यहाँ पे ये ऑरेंज वाला मैंने जो ड्रॉ किया है, ये ग्रीन वाला यहाँ पे है, चलो ये पर्पल वाला मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, दिस वन इज येलो एंड ये हो गया। ये सब यहाँ पे प्रेजेंट है, अंत आवरण में ये सब कंपोनेंट प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज लोकेटेड ओवर हियर इन अ इनर मेम्ब्रेन, विषाणु परिवहन तंत्र कहाँ पे होता है? अंत आवरण में होता है, विषाणु परिवहन तंत्र अंदर ना आवरण में आवेलू है। कड़ा सूत्र नो अंदर नो लगे अंत आवरण में आवेलू है। आपने जी कड़ा कुनी बात करी थी, अब बदल कंपोनेंट ची चार कॉम्प्लेक्स में गोठवायला छे, चार संकुल बनावे, बधा भेगा मळीने शुं बनावे, चार संकुल मेनली चार, तमे पांच पण कही शको। आपणे नेक्स्ट में फोर कॉम्प्लेक्स है पाछो, बट आपणे पांच संकुल पण कही शकीए, इट्स ओके। मैं इस ड्रॉ करू छु, जो दिस वन इज अ कॉम्प्लेक्स वन, संकुल एक, संकुल एक आमाथी क्या घटक थी बनसे, आमाथी क्या घटक हो, कौन से कंपोनेंट इसके कॉन्स्टिट्यूशन में है, बराबर। तो कॉम्प्लेक्स वन जो है किससे बना हुआ होता है? फ्लेवोप्रोटीन, देखो FLN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और सल्फर एंड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है यहाँ पे, FES भी लिखे है, यानी कि ये दोनों कंपोनेंट है, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों कॉम्प्लेक्स वन में है, क्लियर। ये प्रोटीन तो काफी जगह पे होगा, पर आप फिक्स करी दे कि FMN तो क्या होए, मात्रा अहियां ज होए कॉम्प्लेक्स वन में, कॉम्प्लेक्स वन दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट, फ्लेवोप्रोटीन और यू कैन से फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स एक FMN नो बनेलो छे અને આયર્ન અને સલ્ફર યુક્ત પ્રોટીન નો બનેલું છે। ઓકે, તો આપણે કહીએ કે this one is present in complex 1। ઓકે, ચલો જો complex 3, ભલે સિક્વેન્સ આડી છે, ઇટ્સ ઓકે, બટ complex 2 અહીંયા છે। જો આ complex 2 સંકુલ 2 पार्टिसिपेट कर रही तू। अगर ना पहले लेक्चर पहले याद करो,
આપણે તો સાયકલ જોયું ક્રેબ્સ સાયકલ રાઈટ ક્રેબ્સ સાયકલ આપણે જોયું તું હમ ક્રેબ્સ સાયકલ જે આપણે જોયું એમાં આપણે નંબર ઓફ એન્ઝાઇમ્સ આપણે અહીંયા જોયા કેટલા બધા ઉત્સેચકો પાર્ટિસિપેટ કરતા હતા બધી પ્રોસેસમાં આપણે બધી જગ્યાએ ઓરેન્જ કલરના ચોકથી ઓલવેઝ લખો એન્ઝાઇમ્સ તો મેં ઘણા બધા એન્ઝાઇમ્સ લખ્યા છે પણ એમાં બધા એન્ઝાઇમ્સ ક્યાં પ્રેઝન્ટ હોય ખબર છે માઇટોકોન્ડ્રિયલ મેટ્રિક્સમાં એટલે ક્યાં પ્રેઝન્ટ હોય બધા ઉત્સેચકો ક્રેબ્સ સાયકલ માટે રિસ્પોન્સિબલ બધા ઉત્સેચકો ક્યાં હોય કણાસૂત્રના આધારે પર પ્રેઝન્ટ છે ઓલ ધ એન્ઝાઇમ્સ વિચ આર રિસ્પોન્સિબલ ફોર ક્રેબ્સ સાયકલ આર પ્રેઝન્ટ ઇન માઇટોકોન્ડ્રિયલ મેટ્રિક્સ વો માઇટોકોન્ડ્રિયલ મેટ્રિક્સમાં પ્રેઝન્ટ હોતે હૈ એક્સેપ્ટ વન એન્ઝાઇમ એક એન્ઝાઇમ કો બાદ કરકે કોન સા એન્ઝાઇમ તો વો એક ઉત્સેચક હૈ યે सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहां पे प्रेजेंट है यहां इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है और यहां से वो क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा यस सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज कब काम आता है आपको याद करना है कब काम आएगा ये कहां पे लिखूं चलो यहां पे लिख देती हूं यहां पे भी मजा आएगा यहां पे चलो सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की बात कर रहे हैं एंजाइम कहां पे काम आएगा तो याद करो क्रेब्स साइकिल में सक्सीनेट किस में कन्वर्ट होता है फ्यूमेरेट ये पूरा साइकिल है व्हाइल सक्सीनेट गेट कन्वर्ट इनटू फ्यूमेरेट ड्यूरिंग दैट टाइम डीहाइड्रोजिनेशन हुआ था हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दूर हुए थे एंड दैट इज एक्सेप्टेड बाय FADH2 एंड द स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय दिस एंजाइम चॉप 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 सक्सीनेट किस में कन्वर्ट हो रहा था फ्यूमेरेट में कन्वर्ट हो रहा था उस दरमियान सक्सीनेट जरा फ्यूमेरेट में कन्वर्ट થાય ત્યારે એ હાઇડ્રોજન અને ઇલેક્ટ્રોન દૂર થાય છે અને ઈ ઇલેક્ટ્રોન અને હાઇડ્રોજન FAD સ્વીકારે FADH2માં કન્વર્ટ થાય અને આખું આ રિએક્શનનું ઉદ્દીપન કોના દ્વારા થતું હતું તો સક્સીનેટ ડીહાઇડ્રોજિનેઝ એન્ઝાઇમ દ્વારા આ પોસિબલ થતું બાકી સબ એન્ઝાઇમ બના થતું કે સબ્દી एंजाइम जो बड़ा सूत्र अदरक में प्रेजेंट है वो क्रेब्स साइकिल के लिए रिस्पांसिबल है एक ही उत्सेचक जो यहां पे अंतःपटल में प्रेजेंट है ओके चलो इसके एक नोट लिख देती हूं मैं पिक्चर लूंगी तब लिख दूंगी यहां पे एंजाइम्स के लिए क्रेब्स साइकिल के एंजाइम ओके डोंट वरी चलो आगे तो ये सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 2 सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज उसको बोलेंगे सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या है सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स और यू कैन से FADH2 डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स यस और ये किससे बना हुआ होता है फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड और इसमें भी क्या है देखो आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन तो सभी जगह प्रेजेंट है आयरन और सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन तो है ही ओके और कौन सा घटक है FADH है चलो नेक्स्ट तीसरा कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स उसको बोलेंगे साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स 3 એટલે કે સંકુલ 3 ને આપણે શું કહેશું સાઇટોક્રોમ BC1 સંકુલ અને એ શેનાથી બનેલું છે બરાબર ઇટ ઇઝ મેડ અપ ઓફ વોટ તો દેખો સલ્ફર અને આયન ઇસ આયન સલ્ફર કન્ટેનિંગ પ્રોટીન તો છે પણ સાઇટોક્રોમ B છે અને સાઇટોક્રોમ C1 છે साइटोक्रोम बी અને સાઇટોક્રોમ C1 બે સાથે અને સાથે આયન સલ્ફર કન્ટેનિંગ પ્રોટીન તો છે તો આ સાથે મળીને શું બનાવી દે કોમ્પ્લેક્સ તો યસ કોમ્પ્લેક્સ 4
संकुल चार। उसका फुल नेम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। ओ कॉम्प्लेक्स चार ना पर साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स के शो होने अने ओ ए से राते बोली रुच है। तो जो साइटोक्रोम ए अने साइटोक्रोम ए थ्री, ए थ्री लास्ट साइटोक्रोम छे अखा આ બધામાં જેટલા સાઇટોક્રોમ છે માં લાસ્ટ વન એ થ્રી છે અને બંને સાઇટોક્રોમ છે કોપર કન્ટેનિંગ છે, કોપર યુક્ત છે, કોપર યુક્ત। જો બાકી બધી જગ્યાએ સાઇટોક્રોમ છે ને આયન સલ્ફર યુક્ત તમે કહી શકો, પણ આ કોપર યુક્ત છે સાઇટોક્રોમ એ એ થ્રી વાળો આ છે આખો કોમ્પ્લેક્સ। તમે જુઓ આ મોડિંગ શું બનાવી દે કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મ, ક્લિયર કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મ બની ગયું। હવે સાઇટોક્રોમ કી જો હમ વાત કર રહે હૈ बराबर, इसमें ये सारे साइटोक्रोम आ गए। चलो और चार कॉम्प्लेक्स तो हो गए मेनली चार, बराबर। तो ये वन टू थ्री एंड फोर हो गए। साथ में हम देख सकते हैं यहाँ पे और क्या है, यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन कोएंजाइम क्यू इस ऊपर है खबर छे। आ कॉम्प्लेक्स तो आज के ही लेवाना छे। These complexes are located over here only, but it can move between these two and between these two. Ubiquinol है ना वो का यहाँ से यहाँ move हो सकता है। Yes, यहाँ पे ये move हो सकता है movable, mobile, electron carrier है। ये कैसा है चलित बीजाणुवाहक है। यहाँ भी कौन-कौन से कॉम्प्लेक्स के बीच में मूवमेंट करेगा, क्या ये संकुल वची हलन चलन करी सके यूबिक्विनोन। तो जो कॉम्प्लेक्स 1 એટલે સંકુલ 1 અને સંકુલ 3 ની વચ્ચે એક હલન ચલન કરી શકે અને સાથે આપણે કહેતો આ સંકુલ 2 અને સંકુલ 3 ની વચ્ચે હલન ચલન કરી શકે એટલે આને આપણે કેવા કહેશું મોબાઈલ ઇલેક્ટ્રોન કેરિયર। હજી એક મોબાઈલ કેરિયર છે, આપણે યુબિક્વિનોન ની વાત કરી લીધી મોબાઈલ ઇલેક્ટ્રોન કેરિયર છે। ઓકે હજી એક કમ્પોનન્ટ સાઇટોક્રોમ સી જો ક્યાં થી મૂવ કરે છે અહીંયા થી અહીંયા, મિસ કયા કોમ્પ્લેક્સ 3 થી કોમ્પ્લેક્સ 4 આ બેન્ડ વચ્ચે મૂવ કરશે આ સાઇટોક્રોમ સી। તો સાઇટોક્રોમ સી કી વાત હો ગઈ, યસ બરાબર। તો આ પણ મોબાઈલ, તો તમને કે મોબાઈલ ઇલેક્ટ્રોન કેરિયર ક્યાં છે ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર સિસ્ટમ માં શ્વસનની ક્રિયા દરમિયાન ક્યાં મોબાઈલ ઇલેક્ટ્રોન કેરિયર્સ છે શ્વસનની ક્રિયા માટે જવાબદાર, શ્વસન શૃંખલામાં આવેલા ચલિત ઇલેક્ટ્રોન વાહકો ક્યાં, તો ક્યાં આવશે યુબિક્વિનોન અને સાઇટોક્રોમ સી આવશે, ક્લિયર। ઓકે જો બધા કમ્પાઉન્ડ શું બનાવે છે એની આપણે વાત કરી લીધી, ચાર કોમ્પ્લેક્સ ની આપણે વાત કરી લીધી, હજી એક પાંચમો કોમ્પ્લેક્સ અહીંયા પ્રેઝન્ટ છે F0 અને F1, F0 અને F1, F1 ને આપણે એડિપેઝ સિન્થેસ એડિપેઝ ઉત્સેચક જ છે અને એને તમે કોમ્પ્લેક્સ 5 કહી શકો। આ પાંચમો કોમ્પ્લેક્સ, આ બધા કોમ્પ્લેક્સ અહીં પ્રેઝન્ટ છે, કેવી રીતે શું થશે પ્રોસેસ એ તો આપણે જોવાની બાકી છે। જસ્ટ આપણે અત્યારે એ સ્ટડી કર્યું કે ઇલેક્ટ્રોન પરિવહન તંત્રમાં આ બધા ઘટકો, ઇલેક્ટ્રોન પરિવહન તંત્રના ઘટકો કયા, તો કે ભાઈ આ મેઇન ચાર સાઇટોક્રોમ તો આટલા પ્રકારના, પણ આ બધું કેવી રીતે ગોઠવાયેલું તો બધા સાથે મળીને આવી પણ કોમ્પ્લેક્સિસ એટલે કે સંકુલ બનાવી અને ગોઠવાયેલા હોય, કઈ જગ્યાએ ગોઠવાયેલા હોય તો અંતરાવર્તમાં। જસ્ટ વી હેવ ડિસ્કસ્ડ અબાઉટ કમ્પોનન્ટ્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર સિસ્ટમ, these are the components and these are located over here in our inner membrane space, but kaise complex bana ke present hai, right? So abhi humne just ye ki baat ki, clear hua na yahan tak, फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे लास्ट टॉपिक, ज्यादा से ज्यादा एडीपी कैसे बनेंगे। बोला था ना कि प्रोटीन किया है रेस्पिरेशन ने, कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा से ज्यादा एडीपी बनेंगे, बट कैसे बनेंगे विल सी दैट इन नेक्स्ट लेक्चर, राइट? ओके बट
कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए बीच में अवरोधक आ जाते हैं इनहिबिटर्स। कॉम्प्लेक्स वन अफेक्टेड है रोटेनोन एंड एमाइटल्स। रोटेनोन एंड एमाइटल एवा केमिकल्स छे कि जेनाथी कॉम्प्लेक्स वन नु कार्य न थई सके। सो कार्य छे नु विल सी बराबर इसका फंक्शन नहीं हो पाएगा राइट। कॉम्प्लेक्स वन इज इनहिबिटेड बाय दिस रोटेनोन एंड एमाइटल। ऐसे कॉम्प्लेक्स थ्री किससे अफेक्टेड है एंटीमाइसिन से अफेक्टेड है ये अवरोधक इसके लिए है इसका काम नहीं होगा। और कॉम्प्लेक्स फोर को अटकाने के लिए साइनाइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स फोर काम नहीं कर पाएगा। तो दीज आर द इनहिबिटर्स जो पिंक में लिखे अवरोधक है ये काम नहीं होने देगा एनर्जी को एटीपी के निर्माण में संचित नहीं होने देगा ये अवरोधक है। बाकी प्रोसेस तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलो बाय।